गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर की पंतनगर पर स्थित है, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने की प्रोसेस किस स्टेप से, किन किन स्टेप में फॉर्म को आपको फिलअप करना है, किन किन बातों की आपको ध्यान रखना है फॉर्म को फिलअप करते टाइम। यदि आप किसी भी जगह से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इन चार पांच बातों का आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म को फिलअप टाइम जो हमारी बहुत सारी जो मिस्टेक होती है। अभी तो आप लोगों को इतना ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें नहीं आएगी फॉर्म को फिलअप, एडमिट कार्ड तक आपके फॉर्म जो पेपर है वो भी आपका हो जाएगा, लेकिन जब काउंसलिंग होती है तो वहां पर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पर टाइप करना है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी यानी कि GBPUAT। उसके जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यदि आप अपने फोन से इस फॉर्म को फिलअप करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको हर एक स्टेप को यहाँ पर अभी आपके सामने लाइव करके दिखाने वाला हूँ। आपको जैसे यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। उसके बाद जस्ट नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जा रहा है जस्ट कि आपको एप्लीकेशन क्या यहाँ पर चालू कर दिए हैं। इसमें आपको फिर सबसे पहले ऊपर से पांच ऑप्शन है यहाँ पर, और फाइव ऑप्शन में से नीचे आपको देखना है लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की कब है। 31 मई आपको दे रखी है, तो 31 मई तक आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करने का टाइम पीरियड है। उससे पहले आप लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन तो आप लोग कर ही रहे होंगे। साथ में एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, जिस बच्चे के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है उसको उस अभी तक यानी कि 31 मई तक स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लेना है। जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो अपने जाति प्रमाण पत्र बनाएगा। यदि किसी के पास EWS कार्ड की कैटेगरी में वो आता है, उसने EWS कार्ड नहीं बनाया हुआ है तो वो भी आप वहां पर बनाएगा। उसके बाद जस्ट दोस्तों कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चार चीजें बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको अपनी GMAIL ID, जो भी आपकी जीमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना नेम, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है। तो ये इस फॉर्मेट में नहीं शो हो रहा है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर टाइप कर देना है आपको। उसके बाद दोस्तों चौथी बात आपको ध्यान रखनी है वह है प्रोग्राम अप्लाई। यदि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स में क्लिक करेंगे, यदि आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप UG पर क्लिक करेंगे। UG पर क्लिक करने के बाद जिन बच्चों ने डोमिसाइल अभी बनाने के लिए दिया है वो उत्तराखंड का बना सकते हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड फिलअप कर देंगे क्योंकि उत्तराखंड का डोमिसाइल यहाँ पर अभी आपसे नंबर नहीं मांग रहा है। लेकिन फॉर्म जो आने के टाइम पीरियड है जो 31 मई तक आपको डोमिसाइल आपके पास होना अवेलेबल है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में आपसे पूछेंगे, उसके बाद का आपका ये होगा तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। उसके यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है, और कैप्चा कोड फिलअप करने के यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड पर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो सबसे मेन चीज है कि रजिस्टर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके फोन नंबर पर, ये GMAIL ID पर नहीं जाने वाला है आपका जो रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड है, वो आपके फोन नंबर पर जाएगा। फोन नंबर पर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, और सेम हियर स्टेप से आपका पासवर्ड, एक ही मैसेज में दोनों चीज आएंगे यहाँ पर, और इस मैसेज को आपको संभाल के रखना है जब तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता है। फॉर्म फिलअप के बाद भी आपको अपना पासवर्ड संभाल के रखना है दोस्तों। उसके बाद जस्ट यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के यहाँ पर आपको इस एग्री पर साइन पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आप एक नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ओपन होंगे, यहाँ पर अपने फादर नेम, सेम यहाँ पर मदर नेम, नेशनलिटी, और यहाँ पर अपना आधार नंबर, आधार नंबर 12 डिजिट का होगा। कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी, आराम से आपको सब चीज को पढ़ते हुए आपको फिलअप करना है। कोई सब कैटेगरी नहीं है, नन पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी वेटेज कुछ नहीं है तो अभी आप नन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका रिलीजियस पूछ रहा है, EWS सर्टिफिकेट यदि इसका है तो यस करेंगे। सेम यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ब्लड ग्रुप, हैव यू स्टूडेंट GBPUAT यानी कि आप पहले से पढ़ रहे हैं, यस या नो। यदि नो है तो RS फैक्टर भी आपको फिल करना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर डालना बहुत जरूरी है, फिर भी ज्यादा इतना फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। आधार नंबर यहाँ पर शायद 12 डिजिट का नहीं पड़ा। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पर यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करने के बाद यही यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो दोनों ही ओर एक ही सेम ही एड्रेस यहाँ पर फिलअप होगा। कोई अल्टरनेट नंबर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं है, देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ दीजिए। सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा बोर्ड आपसे है, तो आपका उत्तराखंड बोर्ड है तो आपको पूरा टाइप करना है। सेम यहाँ पर पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है, डिविजन आपके वेबसाइट में लिखी होगी, कितने
कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं और आपके कितनी परसेंट बनी हुई है, और कौन सा यहाँ पर स्कूल है आपका, वो स्कूल आपको टाइप करना है। मेजर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो आप लोगों को सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होगी तो आपको टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है। जैसे मेजर सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, यानी पीसीएम पीसीबी इन सब्जेक्ट को कहा जाता है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर अपना टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या है, यहाँ पर कौन सा बोर्ड है ये आपको टाइप करना है। यदि आपका अपेयरिंग है तो यहाँ पर जस्ट दोस्तों अपेयरिंग पे आपको क्लिक करना है, जैसे टॉप में अपेयरिंग रहेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पर अपनी कितने मार्क्स हैं, ऑपरेंड, ये सारा ब्लैंक हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का नाम से पूछेगा, तो इंस्टीट्यूट का नाम जो भी है आप लोग यहाँ पर अपना टाइप कर देंगे। आपके मार्कशीट ऑलरेडी अवेलेबल है। सब्जेक्ट आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना पीसीएम या पीसीबी जो भी आपका है वहां पर टाइप कर सकते हैं, या पूरा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश आपको टाइप करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आप किस इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। पीसीबी है, पीसीएम है, तो आपसे मैंने पीसीएम यहाँ पर टाइप कर दिया है। सब्जेक्ट कोड आपसे पूछ रहा है तो पीसीएम 2। क्वालिफाइंग इंजीनियरिंग पास हो गए हैं या अपेयरिंग, ये आपसे 12th की डिटेल पूछ रहा है। 12th में आप अभी पास हो गए या अपेयरिंग है, यदि आप पास हो गए तो पास डिफिल अप करेंगे, यदि अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग में फिलअप करेंगे। फिर जैसे इसके नीचे एग्जाम सेंटर कोड, तो पहला हल्द्वानी आप डाल सकते हैं और सेकंड पंतनगर भी यहाँ पर अवेलेबल है। और यदि इसको अभी हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट में अपेयरिंग डाला है तो यहाँ पे हम लोग अपेयरिंग डालेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब आपको 12th का यहाँ पर डिटेल पूछा, ये भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहेगा। अपलोड फोटो की बात करें तो फोटो आपके 50 KB से नीचे होनी चाहिए दोस्तों। तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फोटो सिलेक्ट किया जो 19.1 KB की है, तो 50 KB से नीचे पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पर दोस्तों साइन की बात आपसे पूछ रहा है, तो साइन भी हम आपको देखना है। साइन मैंने फिलअप कर दिया, उसकी भी साइज जो है वो 20 KB से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, यदि मेल फीमेल की दोनों की लेफ्ट थंब यहाँ पर आने वाला है। अब हम बात करेंगे लास्ट में जो है तुम्हारा पेमेंट की। यहाँ पर इन तीनों चीजों को आपको अच्छी तरह से देख लेना है, फोटो, साइन और थंब। तो इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे यहाँ पर क्लिक करना है। डिटेल आपकी सबमिट हो गई है। जिस बच्चों को कोई भी डाउट रहता है तो यहाँ पर यूजर एक्टिविटी में जाके यहाँ पर एडिट एंड अपडेट एंड डिटेल में यहाँ पर चेक कर सकता है। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है दोस्तों। पे नाउ पे क्लिक करके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास, यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो बेटर है, गूगल पे फोन पे है तब भी आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फोन से या पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करना हर एक बच्चे को आता होगा शायद मेरे हिसाब से, और आई थिंक नहीं आता होगा तो उसमें जो यूजर आईडी है यानी कि उसे यूपीआई आईडी कहते हैं, वो तो शायद मेरे हिसाब से आता ही होगा मैक्सिमम बच्चों को, तो वहां पर भी ये लोग ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्ट पेमेंट मोड यहाँ पर आया हुआ है, तो आपसे जीमेल आईडी पूछ रहा है, उससे पहले यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्ट पेमेंट मोड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। यदि आप स्कैन करके आपको चाहते हैं कि स्कैन करके पेमेंट करें तो आपको भीम यूपीआई पर क्लिक करना है, फिर बीओबी में आपको सिलेक्ट करना है, पे नाउ पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। पे नाउ पर जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये एक क्यूआर कोड यहाँ पर आ जाएगा, इस क्यूआर कोड को आपको फोन से स्कैन करना है और यहाँ पर आपका 1203 रुपया उसमें शो होगा और आपको पे आउट कर देना है। जैसे ही आप इस पे आउट कर देते हैं तो आपका यहाँ से प्रिंट आउट अगेन आपको फॉर्म पर जाना है, और वहां से आपने प्रिंट आउट यहाँ से आपको लेना है। आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही था। फॉर्म को फिलअप किस टाइप से करें, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो मैं अपने पहली कुछ वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाके वहां से विजिट करके देख सकते हैं। और पेपर की प्रिपरेशन आप लोग करेंगे तो आई थिंक इतना जो डिफिकल्ट पेपर नहीं हो पाता है, नॉर्मल पेपर रहता है तो इसका। पेमेंट मोड तक किस टाइप का आपको फॉर्म फिलअप करना है मैंने सब कुछ आपको बता दिया, आई थिंक यहाँ पर दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।